चलिए, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है, कैसे इसका करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, इन सब चीजों को हम लोग अभी जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखिए, बात समझिएगा बच्चों, पहली बात कि सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है वो कैसे सही होगा। देखिए, एक्चुअली होता क्या है बच्चों, जब हम लोगों से गलती से इनकरेक्ट एंट्री हो जाती है, जब इनकरेक्ट एंट्री हो जाती है और बदले में हम रेक्टिफाइड एंट्री कर देते हैं, मतलब एक ऐसा एंट्री पास कर देते हैं जो उस गलत एंट्री को सही कर देती है, तो इनकरेक्ट एंट्री में अगर रेक्टिफाइंग एंट्री ऐड कर दी जाए तो ऑटोमेटिकली करेक्ट एंट्री हो जाता है। सिंपल लॉजिक है बच्चों एकदम। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अब एरर क्या है भाई, तो अनइंटेंशनल मिस्टेक इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब जो मिस्टेक है बच्चों वो तो अनइंटेंशनल है ना, क्योंकि कोई जानकर तो मिस्टेक कर नहीं रहा है। अकाउंट सेक्शन के जो लोग भी होते हैं वो जानकर तो मिस्टेक करते नहीं, इंटेंशनल मिस्टेक तो होता नहीं बच्चों, ये मिस्टेक अनइंटेंशनल होता है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है बच्चों, एक अनइंटेंशनल मिस्टेक को सही करना है। तो एक तो गलती हो चुकी है, उस गलती के लिए आप एक रेक्टिफाई एंट्री पास कर देते हैं तो वो एंट्री ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है। अब पूरी बात को समझते हैं। देखिए बच्चों, कल को आप लोग जब अकाउंट सेक्शन कभी देखिएगा फ्यूचर में, ऐसे तो आप मैनेजमेंट पार्ट बनेंगे, लेकिन इन केस इनिशियल स्टेज में जब आप अकाउंट सेक्शन को देखते हैं, या बच्चों कोई भी अकाउंट जो होता है वो बेसिकली प्रिपेयर्ड कौन करता है, अकाउंटेंट। हम लोग सब लोग जानते हैं सर कि अकाउंट्स को हमेशा अकाउंटेंट बना रहा है बच्चों, एक पर्सन बना रहा है, एक ह्यूमन बीइंग बना रहा है, जाहिर सी बात है अकाउंटेंट बना रहा है बच्चों। तो आइए बच्चों एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके संस्था में एक अकाउंटेंट है बाबूलाल, ठीक है। अब जाहिर सी बात है बच्चों, ये बाबूलाल जो है आप लोग के कंपनी का एक अकाउंटेंट है, तो इंसान ह्यूमन बीइंग है बच्चों, और इंसान से गलती ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। तो ह्यूमन बीइंग इज लाइकली टू कमिट अ मिस्टेक एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग इन द बुक्स। अब बच्चों तुम दो बातें को ऑब्जर्व करो, ये जो बाबूलाल है, ये जो अकाउंटेंट है, या तो बच्चों इससे रिकॉर्डिंग के समय गलती हो सकती है या फिर पोस्टिंग के समय गलती हो, यानी कि जर्नल एंट्री में भी मिस्टेक हो सकता है और लेजर बनाते समय भी मिस्टेक हो सकता है। अब देखिएगा, तो सवाल ये है बच्चों, हाउ एवर सच एरर्स आर लोकेटेड आफ्टर सम टाइम एंड शुड बी करेक्टेड बाय करेक्टिव जर्नल एंट्री। बच्चों ये जो एंट्री है ये तुरंत में तो पता चलता नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है बच्चों की ये गलतियां बाद में पता चलता है, तो जब पता चलता है तो हम इसको एक रेक्टिफाई मतलब एक करेक्ट एंट्री पास कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी एरर को हमने क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया। देखिए बच्चों बड़ा सिंपल तरीका है, पहले इस बात को ध्यान से समझिएगा, एक बहुत सिंपल तरीका डेवलप्ड किया गया है, मतलब गोल्डन रूल्स एक डेवलप्ड किए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं फॉर पासिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए, एकदम सिंपल सी बात है। आइए तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है गोल्डन रूल्स फॉर पासिंग रेक्टिफाइंग एंट्री, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है कुछ। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी ट्रांजेक्शन को डेबिट होना है तो वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा बच्चों, और उसको मान लो डेबिट होना था और तुमने डेबिट नहीं किया, तो सिंपल तरीका है ना बच्चे कि तुम डेबिट कर दो, डेबिट होना था डेबिट नहीं हुआ है डेबिट कर दो।
अगर मान लो बच्चों किसी ट्रांजेक्शन को क्या करना था, क्रेडिट होना था, और क्रेडिट नहीं हुआ है तो क्रेडिट कर दो। अब मान लो बच्चों किसी ट्रांजेक्शन को तुमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ओके, लेकिन इसको होना क्रेडिट है। अब जाहिर सी बात है बच्चों, तुमको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उस ट्रांजेक्शन को क्या करना है, होना था, क्रेडिट होना था। तो एकदम सिंपल सा बात है कि आपको देखना है कि क्या होना था और क्या हो गया। मान लीजिए जो होना था वो नहीं हुआ है, तो वो तो हमको करना ही है। साथ में बच्चों जो गलत एंट्री हो गया है उसको भी तो हमको सही करना पड़ेगा, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना होता है इसमें। आइए अब थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, यहां से थोड़ा सा आपका एफर्ट बढ़ेगा। देखिए बच्चों, जो अकाउंटेंट होता है उससे क्या गलती होती है, इस बात को समझिएगा। सबसे पहला बच्चों, एरर इन प्राइमरी रिकॉर्डिंग। फर्स्ट गलती रिकॉर्डिंग में हो सकता है बच्चों, पहला गलती रिकॉर्डिंग में होता है। दूसरा गलती बच्चों टोटलिंग में हो सकता है। तो टोटलिंग की तो मिस्टेक बात की बात है, पहले समझते हैं कि फर्स्ट गलती जो रिकॉर्डिंग में हो सकता है, तो रिकॉर्डिंग के कारण जो एरर होगा, या तो बच्चों वो बोथ साइडेड एरर भी हो सकता है या वन साइडेड एरर भी हो सकता है। अब बच्चों अगर वो बोथ साइडेड एरर है तो वो ट्रायल बैलेंस को टैली तो वो हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, लेकिन गलती है वो। अब देखिए, अब इस बात को सवाल ये है बच्चों कि सर ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम करते हैं, मतलब चीजों को रेक्टिफाई करते हैं, चीजों को सही करते हैं, इसकी जरूरत क्यों है? सर चूंकि बोथ साइडेड एरर हो गया है, अभी आपने जस्ट कहा कि दोनों साइडेड एरर हुआ है, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों, इसका मतलब सर कि ये पता चलने वाला नहीं है। लेकिन बच्चों हम क्यों सही करते हैं, इस बात को समझिएगा। देखिए, नीड ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सही अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए ये जरूरी है बच्चों। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो तो आपको एरर को रेक्टिफाई करना चाहिए। दूसरा बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विथ corrected figures to ascertain the correct profit and loss. बच्चों अगर आप नहीं rectify करेंगे तो जो profit और loss आप बनाएंगे वो भी तो गलत होगा, वो भी तो सही आएगा नहीं बच्चों, उसको भी सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको करेक्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को जानना है तो। तीसरा बच्चों, टू फाइंड आउट द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट विद द करेक्टेड फिगर्स। अब क्या बनाना है बच्चों, अपने को ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो बच्चों जब हम लोगों को ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनानी है तो आप चाहेंगे ना कि फाइनेंशियल फिगर सही कब पता चलेगा। बच्चों फाइनेंशियल फिगर पता कब चलेगा ट्रू, जब सारे फिगर सही लिखे गए होंगे तब तो। देखिए आइए बच्चों, एरर के क्लासिफिकेशंस को समझते हैं। देखिए एरर जो होता है बच्चों वो दो तरह का है। सबसे पहले वो दो तरह का है, एरर ऑफ प्रिंसिपल सबसे पहला, और दूसरा क्लर्कियल एरर। जो क्लर्कियल एरर होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में बच्चों, तीन पार्ट में। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, और एक होता है कॉम्पनसेटिंग एरर। बच्चों जो एरर ऑफ ओमिशन होता है वो दो तरीके का होता है, कंप्लीट ओमिशन मतलब पूरी तरह से छूट जाना, पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन के अंदर बच्चों चार गलतियां होती है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग या तो आपने रिकॉर्डिंग में एरर कर दिया, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, और एक होता है बच्चों अपना कॉम्पनसेटिंग एरर। तो सबसे पहले आपको ये समझना है बच्चों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एरर कितने तरह का, पहले ये भी तो जानना चाहिए कि एटलीस्ट एरर कितने तरह का है। अब सोचो बच्चों अगर हमें ये भी ना पता हो कि एरर कितने तरह का है तो रेक्टिफाई तो दूर की बात है ना,
गलती है कैसा, ये सबसे पहले समझना चाहिए। एरर ऑफ प्रिंसिपल है या क्लर्कियल एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है तो उसको रेक्टिफाई करने का तरीका अलग होता है, क्लर्कियल एरर है तो कैसा एरर, ये भी समझना जरूरी होता है। तो बच्चों ये हो गया हमारा टाइप ऑफ एरर्स। देखिए तो ये एरर काइंड ऑफ एरर है बच्चों, एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लर्कियल एरर। एरर दो पार्ट में है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कॉम्पनसेटिंग एरर। ठीक है, आइए अब ध्यान से मेरी बात को वन बाय वन समझिएगा। सबसे पहले आते हैं हम लोग एरर ऑफ ओमिशन पर। ओके, देखिए सर एरर ऑफ ओमिशन क्या है, सुनिएगा बच्चों ध्यान से सभी लोग। कहता है बच्चों कि दिस एरर अराइजेस व्हेन द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। या तो बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पूरी तरह से छूट गया हो या हाफ फिगर लिखना छूट गया, ये बच्चों कुछ फिगर छूट गया, ये पोस्टेड टू लेजर, या बच्चों लेजर में हम रिकॉर्ड करना भूल गए। तो एरर ऑफ ओमिशन जो है अराइजेस होता है बच्चों व्हेन ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड, या तो पूरी तरह से छूट गया हो बच्चों या तो फिर हाफ छूट गया। अगर कंप्लीट ओमिशन है तो देखिए कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या है। कहता है बच्चों कि दिस एरर अराइजेस व्हेन वन ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एट ऑल। मतलब बच्चों पूरी तरह से आपने उस ट्रांजेक्शन को लिखना ही आप भूल गए, समझिए, या तो बच्चों वो जर्नल में ही नहीं लिखाया, या बच्चों जर्नल में तो लिखाया लेजर में ही नहीं लिखाया। तो कहता है बच्चों कि अगर इस तरह का कोई एरर होगा जिसको हम कंप्लीट ओमिशन कहते हैं, तो कहता है बच्चों This error does not affect trial balance. इसको notice कीजिएगा। This error does not affect trial balance. इस तरह के error trial balance को प्रभावित नहीं करते हैं। ये अक्सर exam में आपसे पूछता है। देखिए, एक example समझिए। एक example समझते हैं। जैसे देखिएगा बच्चों, goods purchased on credit from Mr. X. Not recorded in purchase book. जाहिर सी बात है बच्चों, हम लोग को पता है कि जब भी परचेज क्रेडिट पे किया जाता है तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होता है, और वो लिखा ही नहीं गया बच्चों, नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। बच्चों जब वो परचेज बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है तो उसका मतलब है वो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करेगा। एक और एग्जाम्पल समझिए बच्चों, आपने गुड्स को क्रेडिट पर सेल किया श्याम को और सेल्स बुक में लिखना भूल गए, सेल्स बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ बच्चों, एक रुपए का भी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, क्या ये ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करेगा? तो आंसर है नो। फिर देखिएगा, फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड। आपने क्या किया बच्चों कि एक फर्नीचर बेचा है क्रेडिट में, किसको? मोहन को। अच्छा, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड हुआ है लेकिन पोस्टिंग भूल गए बच्चों, मतलब फर्नीचर के लेजर में आप लिखना ही भूल गए, तो क्या ये ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करेगा? जवाब है नो बच्चों, इसलिए नहीं करेगा ना क्योंकि ट्रांजेक्शन का कोई हिस्सा भी लिखाया ही नहीं बच्चों, और चूंकि वो क्रेडिट पर था, इस बात को समझिएगा, तो कैश का कोई मूवमेंट हुआ नहीं बच्चों, डेबिट एस्पेक्ट पे कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, इसलिए वो इन्फ्लुएंस नहीं किया। पार्शियल ओमिशन को समझिएगा। कहता है बच्चों एरर अदर देन कंप्लीट, कहने का मतलब बच्चों कि आप ट्रांजेक्शन के कुछ पार्ट को लिखना भूल गए, कुछ पार्ट को, कंप्लीट पार्ट को नहीं बच्चों, कुछ पार्ट को। तो एरर अदर देन कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन को छोड़कर, दिस एरर अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ये अफेक्ट करते हैं बच्चों, क्योंकि आप ट्रांजेक्शन के आधे हिस्से को लिखते हो ना, हाफ लिखते हो, हाफ नहीं लिखते हो, तो ये प्रभावित करता है बच्चों। कहता है ट्रांजेक्शन करेक्टली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बट नॉट पोस्टेड इन लेजर एट ऑल। अच्छा, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, करेक्टली आपने रिकॉर्ड कर दिया,
बट नॉट पोस्टेड इन लेजर एट ऑल। लेजर में आपने पोस्ट नहीं किया तो जाहिर सी बात है कुछ ये प्रभावित तो करेगा, इफेक्ट होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू श्याम, आपने श्याम को क्रेडिट में गुड्स सेल किया। रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, सेल्स बुक में आपने लिखा है लेकिन श्याम के अकाउंट में नहीं लिखा बच्चों, तो आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन का क्रेडिट हिस्सा लिख रहे हैं बच्चों, क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं और डेबिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस तो प्रभावित होगा ना बच्चों, लॉजिकल बात है। चलिए एरर ऑफ कमीशन को समझिएगा बच्चों। एरर ऑफ कमीशन कितने तरह का है? चार। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग और एक है बच्चों आपका एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, है ना। आइए थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों कहता है बच्चों केस वन समझिएगा पहले। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन दिस ट्रांजेक्शन वॉज रिकॉर्डेड, मतलब बच्चों जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया गया वो सही रिकॉर्ड किया और जो नेम ऑफ अकाउंट यूज हुआ वो भी करेक्ट है। आगे कहता है बच्चों अमाउंट विथ विच ट्रांजेक्शन वॉज रिकॉर्डेड, और जिस अमाउंट का यूज करना वो अमाउंट गलत रिकॉर्ड हो गया। तो कहता है बच्चों कि क्या ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा? तो जवाब है नो। फिर से बात समझिएगा बच्चों, कहता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, मतलब जिस बुक में रिकॉर्ड होना था, जैसे बच्चों सेल्स बुक परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, जिस भी बुक में रिकॉर्ड होना था, कैश बुक बैंक बुक, तो रिकॉर्ड सही हुआ है बच्चों, ओके। और जिस अकाउंट में रिकॉर्डिंग होना था वो भी सही हुआ है। अगर कुछ गलत लिखा गया है बच्चों तो अमाउंट 100 रुपीज की जगह मान लो डेबिट होना चाहिए था 100 100 और डेबिट हो गया 50 50, तो कहता है क्या ऐसे सिचुएशन में ट्रायल बैलेंस प्रभावित होगा? तो जवाब है नो, ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ऐसे सिचुएशन। अच्छा केस टू को समझते हैं बच्चों फिर से। केस टू में कहता है कि जिस बुक में रिकॉर्ड होना था वो भी सही है लेकिन जो अकाउंट आपको यूज करना था, अब मान लो बच्चों फर्नीचर की जगह लिखा गया है बिल्डिंग, तो अकाउंट तो गलत रिकॉर्ड हो गया ना बच्चों। परचेज बुक की जगह सेल्स बुक लिखा गया, अमाउंट सही है। तो कहता है क्या ट्रायल बैलेंस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में? तो जवाब है बच्चों नो, वेदर अफेक्ट ट्रायल बैलेंस नो। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा बच्चों? यहाँ पे क्या दिक्कत हो गया है अब हम आपको समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अकाउंट गलत लिखा गया है, मतलब बच्चों डेबिट किसी और अकाउंट को होना था तो डेबिट कोई और हो गया है, लेकिन बच्चों डेबिट हुआ है, बस फर्क इतना है डेबिट होना किसी और को था, कोई और अकाउंट डेबिट हो गया, क्रेडिट किसी और अकाउंट को होना था, क्रेडिट कोई और अकाउंट हो गया। समझ रहे हैं? तो रिकॉर्डिंग हुआ है, बस फर्क है कि दूसरे अकाउंट, तो क्या ये ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करेगा? जवाब है नहीं, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं। अब दिक्कत क्या है बच्चों कि जब तक प्रैक्टिकल नहीं बनाइएगा चीजें धीरे धीरे क्लियर नहीं होंगी। आइए कुछ कुछ स्लोली स्लोली अब प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले एरर ऑफ कास्टिंग को समझ लीजिए, फिर आगे चलेंगे, ओके। देखिए बच्चों कहता है दिस एरर अराइजेस व्हेन A mistake is committed in totaling. This error affects trial balance.
एरर ऑफ कास्टिंग में क्या होता है बच्चों के, आप गलत फिगर लिख लेते हैं, मतलब टोटलिंग करना है, टोटल करना था 1000, लिखा गया है 10000, टोटल लिखना था 10000, लिखा गया है 1000, तो ये एरर ऑफ कास्टिंग है बच्चों। इसमें भी दो बातें होती है बच्चों, कभी कभी या तो बढ़ जाता है फिगर या घटा के लिख देते हैं, अंडर कास्ट और ओवर कास्ट हो जाता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए बच्चों, परचेज बुक में होना चाहिए टोटल 10000, हंड्रेड की जगह आपने 1000 लिख दिया। सेल्स बुक में बच्चों टोटल होना चाहिए था 5000 और लिख दिया गया 500 टोटल में। तो इस तरह का एरर जो है एरर ऑफ कास्टिंग कहलाता है। ओके चलिए आइए अब कुछ जो है, अब आइए एक दो क्वेश्चंस कुछ बनाते हैं बच्चों। आप लोग भी कॉपी निकाल लीजिएगा। आइए बच्चों, कहता है अ क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 172 राम ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन अ बुक्स। अच्छा क्या किया गया है बच्चों कि सेल्स किया गया, वो भी क्रेडिट पर, कितने का, तो 170 रुपीज। किसको बेचा गया है, तो राम को बेचा गया। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन अ बुक्स, ये ओमिट हो गया बच्चों, मतलब लिखना भूल गए। तो यहां पर प्रॉब्लम ये है बच्चों कि गलत एंट्री तो हुआ नहीं है। दिक्कत क्या है ना बच्चों कि अगर गलत एंट्री हो जाती है तो एक तो उसको सही करना होता है और फिर करेक्ट एंट्री भी करनी होती है। तो यहां तो करेक्ट गलत एंट्री हुआ नहीं, तो एक्चुअली में एंट्री होना क्या चाहिए था बच्चों, आपने क्रेडिट पर बेचा है। सबसे पहले तो बच्चों आपने सेल्स किया है, तो सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिट। किसको बेचा है, तो राम को। राम तो आपका डेटर बनेगा ना, जब हम लोग क्रेडिट में बेचते हैं तो सामने वाला डेटर बनता है बच्चों। तो एंट्री क्या होना चाहिए, एंट्री होना चाहिए राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है ना बच्चों, प्रॉब्लम कह लो या जो कह लो, एंट्री हुआ ही नहीं बच्चों। तो जब एंट्री हुआ नहीं है तो प्रॉब्लम कहाँ होती है, गलत एंट्री को सही करो और सही एंट्री भी करो, दो काम करना होता है। लेकिन बच्चों यहाँ तो एंट्री हुआ ही नहीं, ओमिटेड मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। जब रिकॉर्ड नहीं हुआ बच्चों तो गलत का तो सवाल ही नहीं है, तो क्यों ना हम सीधे राइट एंट्री कर दें। तो सेल्स का एंट्री क्या होता है बच्चों, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। और बच्चों जब हम किसी पार्टी को उधार में बेचते हैं तो जैसे मिस्टर राम, ये तो मेरा डेटर बनेगा ना बेटा, क्योंकि ये हमको फ्यूचर में पैसे देगा, समझे बच्चों, ये तो आप लोग ऑलरेडी पहले भी जानते हो। तो राम क्या बन गया, राम तो हमारा डेटर बना क्योंकि ये पैसे देगा हम फ्यूचर में, इसलिए एंट्री हो गया बच्चों राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ब्रैकेट में नरेशन लिख दीजिए, बीइंग क्रेडिट सेल्स ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम है, इस एंट्री में कोई दिक्कत। आइए फिर दूसरे वाले केस को देखिएगा। कहता है गुड्स कॉस्ट कितना 10,000, जिसका सेल्स प्राइस है 1200, टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर, वे आर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। अच्छा बच्चों एक बात सोचो, तो सबसे पहले कि जो ऑनर है उसने गुड्स को विड्रॉ किया है बच्चों, जब वो गुड्स को विड्रॉ कर रहा है, अच्छा कितने का गुड्स विड्रॉ किया है, 1000 का, जिसका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये बाजार में बच्चों आराम से बिक जाता 1200 रुपए, ठीक है इसने विड्रॉ किया। तो बच्चों जब कोई गुड्स परचेज होकर आता है तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होता है। अब सोचिए कि ऑनर ने गुड्स विड्रॉ किया और उसकी कोई एंट्री ही नहीं, तो जब भी बच्चों कोई गुड्स विड्रॉ होता है तो ये तो ड्राइंग है, और ड्राइंग किसी भी संस्था के लिए क्या है बच्चों, लॉस। तो सबसे पहले ड्राइंग अकाउंट हमको डेबिट करना होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्यों, क्योंकि
जब ये गुड्स परचेज होके आया होगा तो डेबिट हुआ होगा, और बच्चों विड्रॉ होने के कारण कैंसिल करेंगे ना, जो डेबिट था मतलब जो परचेज था उसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा 1000 1000। तो एंट्री क्या हो गया बच्चों, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, समझे। उसके बाद देखिएगा बच्चों केस नंबर सी को देखिएगा, आपने 2000 के कॉस्ट के गुड्स को, मतलब गुड्स है जिसका कॉस्ट 2000 है और जो मार्केट में बच्चों 2400 में बिक सकता था, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एज अ सैंपल बांट दिया कस्टमर को और बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। तो बच्चों एक बात बताइए, जब आप एज अ सैंपल बांटते हैं तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, क्यों, क्योंकि एक तरह का एडवर्टीजमेंट है, तो जर्नल एंट्री होना चाहिए बच्चों, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट कितना 2000 टू परचेज, क्योंकि बच्चों आपने जो परचेज कर लाया है स्टॉक को डेबिट किया है, वो तो कैंसिल हो गया ना बच्चों, वो तो घट गया, तो वो डेबिट तो रहा नहीं, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू परचेज अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगा बच्चों एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल, दोनों में से आपको जो सही लगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, सिंपल। उसके बाद देखिएगा बच्चों, अ गुड्स कॉस्ट 3000 वेयर रिटर्न्ड बाय राम, अ कस्टमर वेयर टेकन इन स्टॉक ऑन द सेम डे बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक। चलो बताओ बच्चों गुड्स का कॉस्ट कितना है 3000, लेकिन ये बेचा कितने में गया था 3600, रिटर्न जो राम है बच्चों राम को आपने बेचा होगा, तो बच्चों एंट्री क्या हुआ होगा, जब आपने राम को सेल किया होगा तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब वो गुड्स लाकर वापस आपको दे दिया है बच्चों, तो आपका जो सेल्स हुआ है जो कभी क्रेडिट था अब तो उसको डेबिट करना पड़ेगा बच्चों, कैंसिल हो गया ना, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना 3600, किसको बेचे थे बच्चों टू राम 3600, सिंपल। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, केस ई में आते हैं, मटेरियल फ्रॉम स्टोर 1000 एंड वेजेस 400 हैज बीन यूज्ड इन मेकिंग टूल्स एंड इंप्लीमेंट फॉर यूज इन ओन फैक्ट्री बट नो एडजस्टमेंट्स वेर मेड इन द बुक। चलिए इसका एंट्री पास कीजिए, तो बच्चों क्या पास कीजिएगा, आपने स्टोर से निकाला इसका एंट्री हो जाएगा बच्चों टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और टू वेजेस अकाउंट। वेजेस 400 और आपने स्टोर कितने का निकाला 1000 का, टोटल हो गया 1400। चलिए एफ नंबर पे आइए बच्चों, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस 660 रुपए का है, हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड, मतलब बच्चों आपने रिकॉर्ड किया ही नहीं। बच्चों एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, तो ये हो गया आपका टेलीफोन चार्ज अकाउंट डेबिट 660 टू आउटस्टैंडिंग चार्जेस, क्योंकि बच्चों आप तो जानते हैं जो बकाया एक्सपेंस होता है बच्चों आउटस्टैंडिंग वो तो लाइबिलिटी होता है ना, लाइबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, वो तो हमेशा क्रेडिट होगा,
और एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा बच्चों, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग चार्जेस। चलिए और ये देखिए बच्चों, अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू रोहन 170 ओमिटेड टू बी पोस्टेड, मतलब बस ओमिट हो गया बच्चों पोस्टिंग में, इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं पास करेंगे, क्यों, क्योंकि जर्नल एंट्री तो पास हुआ ही होगा ना, पोस्टिंग में बस नहीं गया है ये। बनाइए तो बच्चों, अब एक बार आप लोग खुद से बनाइए, तो कोई प्रॉब्लम होगा तो बताएंगे। बनाइए एक बार खुद से बनाइए तो।